हाउ आई एम बिकमिंग स्ट्रांग एवरी टाइम हाउ माई इमोशंस आर गेटिंग स्ट्रांगर हाउ क्विकली आई एम एबल टू बाउंस बैक हाउ क्विकली आई एम एबल टू होल्ड माई सेल्फ दैट इज द जर्नी दैट इज द लर्निंग दैट इज द ग्रोथ एंड वो ग्रे में है वो ब्लैक और व्हाइट में नहीं है हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में मोटिवेशन इन्फ्लुएंस की दुनिया के जाने वाने फिगर मौजूद हैं ये एक दशक से मिलियंस ऑफ लोगों को अपने वीडियोस के जरिए प्रभावित कर रहे हैं 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब और बिलियंस ऑफ व्यूज जिसके जरिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है पॉजिटिव एनर्जी दी है सो प्लीज वेलकम हिमेश मदान जी ऑन आर शो थैंक यू सो मच जी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलने का मन था तो इसी बहाने कुछ इनसाइट्स भी एक्सचेंज करेंगे आपसे मुलाकात भी होगी और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है मुझे जो इंस्टाग्राम पे तो देखी थी लेकिन आज रियल में देख के बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच जी सो so, इमेज जी वैसे तो काफ़ी लोग आपकी जर्नी जानते ही हैं बट फिर भी आ, अगर आप शॉर्ट में बता सकेंगे कैसे ये शुरू हुआ आई थिंक 2012 से आपने ये जर्नी शुरू करी और इतनी कंसिस्टेंसी बहुत रेयरली कोई लोग हैं जो इस कंसिस्टेंसी के लेवल को छू भी सकते हैं तो हाउ इट स्टार्टेड कैसे आप लगा आपको कि मुझे शुरू करना चाहिए ड्यूरिंग आर चाइल्ड हुड जब नाइन्टी नाइन में आई वॉज प्रोबेबली बारह तेरह साल का था तो उस टाइम पर फैमिली ने एक बहुत टफ़ टाइम देखा था सो वी वर इन ह्यूज डेप्ट उस टाइम पे अचानक सब कुछ बिक गया जीरो नहीं था माइनस पे आ गए डेप्थ था केसेस थे लीगल पुलिस हर तरह की चीज़ उस टाइम पे थी सो so वो था सिलेबस जब पढ़ाई शुरू हुई रियल पढ़ाई जो शुरू हुई जब सिचुएशन ऐसी थी कि फ़ादर के पास ऑप्शन सिर्फ सुसाइड की थी लेकिन हमें भी नहीं पता था हम उनके साथ नहीं रह रहे थे कुछ टाइम हमें नानी के घर भेज दिया गया था तो हमें नहीं पता था कौन सी कॉल में ये न्यूज़ आ जाए कि पेरेंट्स आर नो मोर वो जो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि फादर ने एक स्माइल मेंटेन करी हमारे साथ जब भी बैठते थे जब भी मिलते थे हमें समझाया कि कैसे एक दिन सब ठीक हो जाएगा लेकिन कई साल लगेंगे वो कई सालों की जो उनकी हिम्मत थी और फिर करते करते वो पूरी फैमिली ने जो स्ट्रगल करी कि वापस बिल्ड करेंगे सो आफ्टर ट्वेल्थ आई नेवर वेंट टू कॉलेज तो वो लर्निंग जो थी ना दस बारह साल का जो टफ टाइम था जब सेटल हो गए डेली आ गए अच्छी जॉब्स आ गई वापस थोड़ी सेविंग इस्टेब्लिश हो गई कर्ज खत्म किया तब लगा कि इस सब के पीछे रीज़न क्या है रीजन है माइंडसेट सोच कि वो माइंडसेट था पूरी फैमिली में जो फादर ने एक इंजेक्ट किया था कि माइंडसेट बस बचा के रखना है बाकी हर चीज़ जो गई है वापस आ जाएगी तो फील आई कि यार ये जो चीज़ से हम निकले हैं और वापस खुद को इस्टेब्लिश किया है और अच्छी जॉब्स अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं तो बहुत लोगों को ज़रूरत है लोग छोटी छोड़ छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं लोग छोटी छोड़ छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं तो अब अगर हमने कुछ बिल्ड किया है वापस तो अब हमारी ड्यूटी भी है लोगों को देना और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि कुछ ट्रिगर चीज़ें हुई कि मैंने उस चीज़ को टू में यूट्यूब के थ्रू शुरू कर दिया और हाँ। वो अलग स्टोरी है लेकिन दिस इज हाउ हाउदर जो रूट है वो ये था क्योंकि एक एक डिसीजन के पीछे एक सफ़र होता है ये सफर था <laughs> क्या बात है जी बहुत ही ब्यूटीफुल कहा तो मतलब इस सफ़र में कोई ऐसे माइंडसेट जो आप शेयर कर सकें जो ऐसे कुछ दो तीन इनसाइट्स आपको मिली हों फादर से या कुछ लेसन आपको मिले हों सबसे बड़ा लेसन ये था कि टिल नाइन्टी नाइन दिसंबर नाइनटीन मैं एक अमीर बाप की औलाद था और अमीर बाप की औलाद कैसी होती है वैसा था जनरली स्टीरो नहीं कर रहा लेकिन थोड़ा बिगड़ने वाली स्टेज थी सिक्स क्लास में तुम्हारे घर में सर्वेंट्स हैं सब कुछ तुम्हें मिल रहा है तो स्कूल में तुम बड़ी अक्कड़ के साथ जाते हो मैं थोड़ा अलग हूँ तो पता था फ्यूचर में क्या करना है बिजनेस संभालना है बढ़िया चल रहा है तब तक तो और बढ़िया हो जाएगा जब तक हम बड़े होंगे तो ये जो इमेच्योरिटी थी जो मेरा मजाक भी उड़ रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा मजाक उड़ रहा है राइट जो अपनी एक अकड़ में आ गए थे हम वो वो इंसान में कैसा बनता वो कैसी ग्रोथ मेरी होती मैं आज कैसा होता राइट एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही शायद लड़ रहा होता तो हर प्रॉब्लम ने ना बहुत कुछ सिखाया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी पार्ट हैं वो करिकुलम है हमारे सक्सेस के सिलेबस का तो आई वुड से कि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना तो उसकी उसके पीछे कोई रीजंस है उसके पीछे कोई अपॉर्चुनिटीज हैं फर्क इतना है कि अगर हम उसको प्रॉब्लम समझ के रुक गए तो वो अपॉर्चुनिटी को हम यूज नहीं कर पाएंगे लूज कर पाएंगे लेकिन अगर उस प्रॉब्लम से हमने कुछ ले लिया तो जहां भी है दो स्टेप आगे बढ़ जाएंगे सो so देन uh, ये डिसीजन एक बार आ गया कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है तो इस जर्नी में अपने आप को कैसे आपने मोटिवेटेड रखा क्योंकि मैं रेगुलरली मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं थोड़े दिन मोटिवेटेड रहते हैं फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है थोड़े से दिनों में मोटिवेटेड कैसे रखा आपने अपने आप मुझे लगता है कि एडिक्टेड इंसान को ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती <laughs> अच्छा जी ओके <laughs> okay. अगर किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन है अगर किसी को गेमिंग की एडिक्शन है तो क्या उसको मोटिवेशन चाहिए अगर किसी को दारू की एडिक्शन है क्या उसको मोटिवेशन चाहिए यार कुछ मोटिवेट करो अपने आपको दारू पीने के लिए वो शाम हुई उसने बॉटल खोल लेनी है राइट right. तो वो एडिक्शन है वो मेरी एडिक्शन है जिस वजह से फर्क नहीं पड़ रहा था सौ व्यू आ रहे हैं आज डेढ़ सौ आ रहे हैं दो सौ आ रहे हैं मतलब जितने सब्सक्राइबर्स अब एक दिन में होते हैं उसको डेढ़ साल लगा था पहले डेढ़ साल में लेकिन वो मजा आ रहा था कि यार जो सीखा है वो लोगों को बताना है और एक बहुत स्ट्रांग रीजन था मैंने किसी को अपने सामने सुसाइड अटैम्प्ट करते देखा था तो वो जो मैंने कहा कि एक ट्रिगर था कि आज तक जो सीखा है मुझे अब यूट्यूब पे सिखाना है उसका जो मैंने आराम से कभी करना था जिंदगी में जब इंटरनेट लोगों के पास आ जाएगी घर घर पहुंच जाएगी तब करेंगे लेकिन जब मैंने एक लड़के को बस में से कॉलेज की बस में से छलांग लगाते देखा तो मेरा उसी दिन प्लान बन गया आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब वापस एक कम्फर्टेबल लाइफ शुरू हुई है उसको वापस छोड़ा और एक नई स्ट्रगल शुरू कर दी और वो रीज़न ग्रेजुअली बिकेम माई अडिक्शन जब लोगों को लाइफ में चेंज मिलना शुरू हुआ जब ऐसे कॉमेंट्स आने शुरू हुए कि मैं डिप्रेशन में था बाहर निकला मैं सुसाइड सोच रहा था और आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आई लिव फॉर एवर तो वो कॉमेंट्स बिकेम माई अडिक्शन एंड वेन यू आर एडिक्टीड मोटिवेशन हाँ बात है दी सो ब्यूटीफुल एक्सपेन आई थिंक पहली बार किसी ने इस तरीके से ये नया परस्पेक्टिव दिया है ब्यूटीफुल की एडिक्टी हो गए तो फिर तो क्या और वो जो रिएक्शन लोगों के आते हैं एक्चुअली वो एक डोपामीन बन जाती है हमारे लिए जो रियल वैल्यू मिलती है ठीक है पैसा भी इंसान कमाता है सब चीज़ें बिजनेस करते हैं लेकिन आई थिंक मोटिवेशन तो वहीं से आता है जो क्योंकि पैसा तो बहुत तरीक़ों से कमाया जा सकता है बट वो मोटिवेशन का सोर्स तो वही रहता है तो इसका एक पहलू तो यह है कि लोगों से प्यार बहुत मिलता है लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब भी हम कुछ बड़ा या आउट ऑफ वे करने जाते हैं अनऑर्थोडॉक्स करने जाते हैं तो ऐसा भी होता है बहुत से लोग मजाक भी बनाते हैं भी शेयर करते हैं तो हाउ यू हैंडल दैट क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि जब भी हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो हेट मिलता है तो इट मीन अगर हेट मिल रहा है हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं हाँ। <laughs> सही बात है अब डिपेंड करता है दो तरह के हेट है एक है जो फीडबैक है क्रिटिसिज्म है कंस्ट्रक्टिव है कि अगर कोई कह रहा है कि ये चीज सुधारी जा सकती है ये चीज समझ नहीं आई रिसेंटली मेरी वीडियो के नीचे कमेंट था कि इस वीडियो में मजा नहीं आया राइट तो अब इसको मैं हेट नहीं कहूंगा मैंने पूछा क्यों नहीं आया क्योंकि उस बंदे के हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो ये कह रहा है ना तो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल बट एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ हेट करना है जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए तुम्हें करने नहीं देंगे जिनकी लाइफ में चीप एंटरटेनमेंट है ये वो अच्छी एंटरटेनमेंट अफोर्ड नहीं करते वो चीप एंटरटेनमेंट क्या है किसी का मजाक उड़ा दिया दो बातें कह दी किसी के सो so, योगेंद्र जी मैं अपना बताता हूँ कि 2012 से 14-15 तक मैंने ये कमेंट्स इतने पढ़े थे दांतों के ऊपर <laughs> तेरे दांत बड़े हैं तेरे दांत बड़े हैं मेरी वीडियो में मैं कंटेंट दे रहा हूं पॉजिटिविटी का मैं बता रहा हूँ क्या मैंने लाइफ में सीखा <laughs> क्या तेरे दांत बहुत बड़े हैं तो वीडियो क्यों बना रहे हैं <laughs> शक्ल का मजाक दांतों का मजाक पहले बोलना सीख ले फिर वीडियो बनाइयो एंड मैक्सिमम पीपल ना यहीं पर छोड़ जाते हैं कि यार ये क्या बना रहा हूं यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा यार लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं लोग नफरत कर रहे हैं मैं नहीं डील कर सकता और यही एक माइल्ड है कि लोग आपको हेट कर रहे हैं इट मीनस आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनसे हजम नहीं हो रहा जो वो नहीं कर पा रहे ये एक शाबाशी है खुद को क्योंकि एनी वन हैज अचीव समथिंग हैज अचीव हेट ऑल्सो ट्रू सो ट्रू एक सोल्यूशन है अगर हेट से बचना है अगर नेगेटिविटी से बचना है एक सोल्यूशन है कुछ ना करो सेफ <laughs> <Safe laughs> रहो बस बैठे <laughs> रहो डोंट हैव हैव गोल्स डोंट डोंट ड्रीम्स यूज योर पोटेंशियल वेस्ट योर लाइफ जस्ट बी ऑन द सेम प्लेस बी इन योर कंफर्ट जोन एंड हैव थाउजेंड्स ऑफ रिग्रेट बट यू हैव हेट राइट <laughs> right. तो इससे रिग्रेट से तो बेटर है कि ले तो अगर लोगों को कंसिस्टेंसी अगर लाइफ में लानी है तो हाउ दे कैन हैव योर लेवल ऑफ़ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कैसे उस को ला सकते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन में 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 भी में भी में भी भी हैबिट बिल्डिंग लाइफ किसी जगह है एक रास्ता की तरफ अपने कि वादी अच्छी है पहाड़ी अच्छी है बट मुझे मेरा दिल बीच में है तो अल्टीमेटली मैं कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं जा पाऊंगा मुझे हमेशा पुश करना पड़ेगा थोड़े दिन और रुक जाते हैं थोड़े दिन और रुक जाते हैं यही होता है लोगों के साथ तो पहले वॉट यू लाइक वो जानना बहुत जरूरी है वॉट इज़ योर पैशन जानना बहुत जरूरी है आपकी इनर स्ट्रेंथ जानना क्या बहुत ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग ऑन समथिंग कि मुझे ये करना है वन शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम कि मुझे क्यों करना है राइट वो क्या के पीछे जो क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट अगर हम किसी शाइनी ऑब्जेक्ट के चक्कर में जिसको हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं कि अचानक ग्लिटरी चीज़ें आपके आगे आएंगी आप भटक जाओगे आज की डेट में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे हम ऐसे ऐसे तो नए नए लोग देख रहे हैं और हमें लगता है नहीं मेरा पैशन तो म्यूजिक है फिर हम म्यूजिक की तरफ चले जाएंगे नहीं यार आई वॉन्ट टू बी अ ट्रैवल व्लॉग और मुझे ट्रैवल करना है नहीं नहीं मुझे डिजिटल मार्केटिंग समझनी है फनल के अंदर घुसना है सो ये डिस्ट्रैक्शन और इंक्रीज हो रही हैं शाइन शाइनी ऑब्जेक्ट्स और ज्यादा मिल रहे हैं बट इफ आई एम वेरी क्लियर विद वॉट आई वॉन्ट तो मुझे शाइन तंग नहीं करेगी आएगी मैं अंडरस्टैंड करूंगा मेरे लिए नहीं है कुछ इसमें से लेने वाला नहीं लेने वाला छोड़ दूंगा बट इफ आई एम नॉट क्लियर विद माई पल्स मुझे अपनी चीज़ का क्लैरिटी नहीं है तो हर चमकती चीज मुझे भटकाएगी एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट विल डिस्ट्रैक्ट मी और यही आजकल बहुत सारे लोगों में शार्क टेंग देखा तो लगा कि अब मेरे को तो right. स्टार्टअप करना है <laughs> जॉब छोड़ देते हैं स्टार्टअप करने लगते हैं और फिर थोड़े दिन में वो मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात कही कि पहले लोग थोड़ा सा अपना रिसर्च भी कर लें अपना पैशन भी देख लें अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि सबसे ख़राब चीज़ हमारे साथ ये होती है कि जब हम अपनी नज़र में गिरने लगते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ होती है जब अपनी नज़र में उठने लगते हैं और जितनी बार हम कमिटमेंट करते हैं कुछ करने का और जब उसे नहीं करते हैं तो वो अपनी नज़र में भी विश्वास कम होने लगता है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि और कई बार मैं भी इसे कहता हूँ कि पहले चेक कर लो प्रॉपरली कमिट करने से पहले डोंट कमिट क्योंकि कमिट करके पीछे हटे तो वो फिर नज़र में गिरा देगा आपको सो सो ट्रू सो गोल सेटिंग कैसे की जा सकती है इसमें आई थिंक एक स्ट्रेटेजी का भी बेस है माइंड का तो है ही है और आप काफी गोल सेटिंग और इन टॉपिक्स पर काम करते हैं तो कैसे अगर एक नया इंसान किसी वाई क्लियर हो गया है उसका और अब वो नए रास्ते पे चल रहा है तो क्या उसका प्रोसेस रहना चाहिए गोल्स को कैसे सेट करे सो so, अगर तो वाई क्लियर है तो उसके बाद दो तरह के गोल है शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड जिसको हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं पहले मुझे लगता है लॉन्ग टर्म आने चाहिए ये मेरे लिए काम किया है कि आप आज से पांच साल दस साल बाद क्या विजन देखते हो जरूरी नहीं है चीजें आपके हिसाब से हो लेकिन आपके हिसाब से हो भी सकती हैं <laughs> क्योंकि हो सकती हैं तो आप पांच दस साल सोचो तो ये बहुत जरूरी है कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है वहां से आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा कि मेरे वन ईयर के गोल्स क्या है जब वन ईयर के गोल्स होंगे उसको हम सिक्स मंथ्स वन मंथ में ब्रेक कर सकते हैं जैसे ही वन मंथ के गोल्स हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेरी लाइफ में इसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है कि फिर वो मेरा रिलिजन है क्योंकि ये मेरे सबसे ज्यादा कंट्रोल में है एन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है पांच साल बाद गोल्स को बदल दे सबके बदलते हैं मेरे भी इवॉल्व हुए हैं राइट सो वन मंथ इज वेरी मच इन कंट्रोल इस एक महीने में मैं क्या कर सकता हूं अब या ये आपका रिलिजन है वो रिलीजन को फिर आप वीक्स में ब्रेक करते हो आपको ईजिली आपके पर डे टास्क मिलते हैं लेकिन ये वन मंथ वाला फोकस बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें मैं करता हूँ हो सकता है लोगों के बहुत काम आए मेरे जैसे फ़ोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें विजुअलाइजेशन होती है मेरी कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ सो इवन मैन आई हैड प्रोबेबली गोल ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज़ की कोई चीज़ उसी टाइम पे मैंने सत्तर लाख का गोल भी साथ ही लिखा था मतलब जब औकात इतनी थी कि तीस हजार की चीज़ भी बड़ा सपना है तब सत्तर लाख की फोटो भी लगा दी थी एंड दोनों पूरे हुए सो so, ये ये इमेजेस ने मेरा बहुत हेल्प करा है आई बिलीव क्योंकि आप रोज किसी चीज को देखते हो क्वेश्चन करते हो कि आज जो मैं कर रहा हूं इससे मेरे ये रिवॉर्ड्स हैं राइट सो वो रिवॉर्ड्स के साथ आप लिंक करते जाते हो चीजें तो आपको मोटिवेशन भी आ जाती है ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो मैं फॉलो करता हूँ तो विजुअलाइजेशन आप जो आग बंद करके हम अल्फा स्टेट में करते हैं उसे भी फॉलो करते हो yes, yes, yes. वो भी कंटिन्यूसली आप रखते हैं आई थिंक दिस प्रोसेस अगर टेक्निकली मैं बात करूं दिस इज कॉल प्राइमिंग योर ब्रेन राइट right, कि जब हम विजुअलाइजेशन uh, करते हैं तो बेसिकली जो भी इमेजेस हम बना रहे हैं तो इट इज़ द लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्यूचर इमेजेस हमारे लिए क्रिएट करती है एंड इट फॉल्स ऑन अवर ओसिपेटल लोब जो पीछे ब्रेन में है अब ओसिपेटल लोब में अगर अच्छी इमेजेस पड़ती हैं जो वांटेड है तो इट इज़ कनेक्टेड विथ अवर रिवॉर्ड सर्किट जो अपना डोपमिन सर्किट है तो जितनी बढ़िया इमेज आ रही हैं रिवॉर्ड सर्किट डोपमिन रिलीज हो रहा है उसके साथ में और इससे हो क्या रहा है कि वो इमेज और वो डोपमिन दोनों आपस में ब्रेन कनेक्ट करने लग जाता है एसोसिएशन बिल्ड करता है जिसकी वजह से अब आप जो भी एक्शन तय करोगे जैसे आपने इतना ब्यूटीफुली कहा कि छोटे छोटे स्टेप्स उसके बना लो तो अब वो छोटे स्टेप जब हम लेंगे तो देर विल बी अ नेचुरल मोटिवेशन जिस मोटिवेशन की आप बात कर रहे थे एंड नाउ बेसिकली विजुअलाइजेशन वॉट आई बिलीव इज सिंक्रोनाइजिंग योर ब्रेन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ योर ब्रेन यू आर सिंक्रोनाइजिंग ऑल ऑफ देम एंड यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ़ योर ब्रेन कि आप प्राइमिंग करके प्रॉपरली आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ जो आप फॉलो करते हो अपार्ट फ्रॉम विजुअलाइजेशन हाँ एक चीज़ और है जो लोग मिस कर जाते हैं कि गोल्स मल्टीपल एरियाज़ में होने चाहिए हम लोग कई बार सिर्फ गोल सोचते हैं तो इस वक्त हमारी इमोशन किधर है उधर चले जाएंगे आजकल कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन बैलेंसड लाइफ के गोल्स बहुत ज़रूरी हैं प्रायोरिटी चेंज हो सकती है कि पहला फोकस मेरा मे बी फाइनेंस हो सकता है क्योंकि आज मे बी अगर मेरी स्टेट ऐसा है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है ग्रेजुअली मेरे लिए रिलेशन्स uh, जैसे थोड़ा सा एक कम्फर्ट जोन आई है मैं रिलेस् को वैल्यू करना ज़्यादा शुरू कर दूंगा बट कोई भी चीज़ मिस ना हो इसलिए एरिया सारे सोचने जरूरी हैं क्योंकि कोई चीज़ पा रहे हैं लेकिन खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ सही बात है बिल्कुल राइट right, आपने महंगी से महंगी चीज़ ले ली ले, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है तो आप जिंदगी के एक रियल पर्पस को मीट ही नहीं कर पाए राइट सो ट्रू यानी कि बैलेंस करके चलें कि सिर्फ एक ही एरिया का गोल ना सेट करें कि अपनी हेल्थ में भी रिलेशनशिप में भी बिजनेस करियर फाइनेंशियल सभी एरियाज को इक्वली हाँ, बट प्रायोरिटी आप चेंज कर करती है हाँ। किस टाइम पे क्या जरूरी है किस महीने में क्या जरूरी है किस दिन क्या जरूरी है राइट अगर आज मैं ट्रेवल से... कर रहा हूँ मैं अहमदाबाद में हूँ तो आज मैंने अपने वर्कआउट को पंद्रह बीस मिनट रखा राइट क्योंकि आज की प्रायोरिटी थी आपके साथ बैठना इस एपिसोड को शूट करना तो ये मेरा आज का मेन हाईलाइट है तो जब हाईलाइट फिक्सड है तो बाकी चीजें मिस नहीं हुई बाकी चीजें थोड़ी 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 हो गई राइट टीम मीटिंग भी हो जाएगी शाम को रिव्यू भी हो जाएंगे लेकिन आज का मेन मुझे पता है क्या है सो दैट इज़ वॉट लाइफ में भी ऐसे होना चाहिए सो so ब्यूटिफुल <laughs> दो चीज़ें मैं यहाँ पे पूछूंगा कि एक तो अपने एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करें क्योंकि कई बार कुछ लकी लोग हैं जिनके आसपास पॉजिटिव लोग रहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आसपास कई बार घर में ही वो इनफ पॉजिटिविटी नहीं मिलती है तो उस टॉक्सिसिटी को या उस नेगेटिविटी को एनवायरमेंट की कैसे हैंडल किया जाए और दूसरी चीज़ जब रिजल्ट नहीं मिल रहे हो सेटबैक्स आ रहा हो तब कैसे हैंडल किया जाए इसमें ना दो चीज़ें हैं एन्वायरमेंट में एक है वॉट यू कैन कंट्रोल एंड वॉट यू कैनोट कंट्रोल पहले तो बहुत लोग ये सवाल ही नहीं पूछते हैं को ब्लेम करते रहते हैं कि यार एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए यार कास्ट मेरे आसपास पास भी ना ऐसा एनवायरमेंट होता जी पहला सवाल पूछो कि आपके आसपास सब कुछ बुरा है कि कोई चीज है जो आपके कंट्रोल में है राइट राइट फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल आई मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल कि मेरी फैमिली कौन सी है अच्छी है बुरी है सपोर्टिव है नॉन सपोर्टिव है मेरे कंट्रोल में नहीं है वेयर आई एम बॉर्न इज नॉट इन माई कंट्रोल राइट इस वक्त जहां मैं हूं जिस शहर में हूं यह मेरे कंट्रोल में नहीं था राइट आगे मैं इसको चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं वो मेरे कंट्रोल में है राइट अब जरूरी नहीं है किसी के लिए पॉसिबल हो कि अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज करे उस केस में जैसे हम बिजली में क्या करते हैं इंसुलेट करते हैं इंसुलेट करते हैं ताकि करंट ना लगे तो खुद को इंसुलेट किया जा सकता है अपने आसपास एक ऐसी जोन बनाई जा सकती है आपकी अपनी इंसुलेशन है वो कि चीज़ें आएंगी लोग आएंगे क्योंकि देखो अगर हम नेगेटिविटी से अफेक्ट होना शुरू हो गए डिस्करेजमेंट से हालातों से तो जिंदगी भर होते रहेंगे कुछ ना कुछ तो बुरा रहेगा कभी खबरें बुरी मिल जाएंगी कभी लोग बुरे मिल जाएंगे कभी डिस्करेजमेंट मिल जाएगी शायद सोल्यूशन सबसे बढ़िया यही होगा कि आप अपने आप को इंसुलेट कर लो ताकि फर्क पड़ना बंद हो जाए हाउ वी इंसुलेट आर सेल्स चेंजिंग योर इंटरनल थाट प्रोसेस कैसे कर सकते हैं अगर मैं दिन में कुछ टाइम में भी पंद्रह मिनट रीडिंग को दे रहा हूँ एंड मेकिंग श्योर कि मैं अपने इमोशंस पे अपने पॉजिटिव थाट प्रोसेस पे अपने लाइफ के ऊपर पंद्रह मिनट सिर्फ रोज दे रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है उसका कोई असर नहीं होगा पहले दिन थोड़ा होगा अगले दिन थोड़ा और होगा अगले दिन थोड़ा और होगा, होगा करते करते आपको कोई कुछ कह गया आप इतने क्लियर हो चुके हो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो अपने thoughts को समझना होगा ताकि राइट एंड रॉन्ग थॉट्स को डिफरेंशिएट कर पाएं एन्वायरमेंटल एंड नॉन एन्वायरमेंटल थाट्स को डिफरेंशिएट कर पाएं समझने के लिए अपने कुछ ना कुछ रीडिंग कुछ ट्रेनिंग कुछ कोचिंग आपकी लाइफ में ये होनी चाहिए सो ट्रू राइट डेली वुड लीड टू अलोग्राम सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन वो एक कहते हुए है ना कि कि जहाज आसपास के पानी से नहीं डूबता अंदर पानी आता है तो ही डूबता है राइट right? और अगर हम एक शिप में हैं और हम ये सोच रहे हैं कि समंदर शांत रहे उसमें वेव्स ना उठे उसमें तूफान ना आए वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट हम अपनी शिप को ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें प्रोटेक्शन मैकेज़म्स हो जो आपने बड़ा ब्यूटीफुली एनालॉजी दी है इंसुलेसन की कि आप अंदर से इंसुलेट कर दें और इसमें इन्वायरमेंट में ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वही एनवायरमेंट है बट बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो हमारा एक कोर सेल्फ उस कोर सेल्फ के अराउंड है हमारे विचार तो हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट सबसे अंदरूनी जो इनवायरमेंट है वो हमारा विचार है विचार के बाद में शरीर हमारा इन्वायरमेंट है और शरीर के बाहर हैं फिर लोग तो अगर विचारों को जैसे आपने कहा कि अगर उनको अपन ने पॉजिटिव रखा है और शरीर को बिल्कुल फिट और एनर्जेटिक और पॉजिटिव रखा है तो ये दो सबसे क्लोज एनवायरनमेंट अगर फिट है तो फिर वो बाहर वाला एनवायरनमेंट का इतना फ़र्क नहीं होगा तभी आप वो रेजिलियंस जिसे कहते हैं कि कि एक तो ओल्टो है स्पीड ब्रेकर पे आया तो पूरा बंदे को उछाल देगी ऊपर और रोल्स रॉयस है तो मतलब पेट का पानी भी नहीं हिलेगा तो वो रेजिलियंस रोल्स रॉयस वाली अगर अपन रख लें तो आई थिंक दैट विल बी वेरी अमेजिंग और And इसमें ब्यूटी क्या है कि जब हम इंटरनली इन चीजों पे काम कर लेते हैं जैसे आपने बताया उसके बाद आपको खुद नजर आ जाता है कि मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस लाने हैं yes. क्योंकि जब आप अंदर से ये सब पढ़ रहे हो समझ रहे हो सीख रहे हो तो आपको नजर आता है कि यार मेरी कंपनी भी ऐसी हो सकती है वाई नॉट उससे आपकी विल पावर बचेगी इंसुलेशन करने में सो so ट्रू लेकिन फर्स्ट स्टेप है इनसाइड देन नेचुरली आप आउटसाइड सोचोगे जैसे मैं हर दो तीन साल में अपना घर बदलता हूँ क्यों बदलता हूँ आई वॉन्ट टू चेंज माई एनवायरमेंट एंड बनना चाहता हूं, हूं।, right? so, मैं हूं राइट सो होता क्योंकि मुझे दो तीन साल से ज्यादा रहना नहीं है <laughs> अब सेकेंड स्टेप है कि मैंने अपने को इंसुलेट कर लिया मुझे इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन मैं ग्रो भी नहीं कर रहा ना मुझे जो ग्रोथ चाहिए जो मुझे कानों में पड़ना चाहिए कि उसके लिए अगेन इस तरह के पॉडकास्ट सुनने बुक्स पढ़नी ऐसे लोगों को मिलना ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना ऐसे क्लब्स का पार्ट बनना ऐसे सेशंस का पार्ट बनना ऐसे अगर अलाउ करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेट तो ऐसे मोहल्ले का पार्ट बनना अगर फर्दर अलाउ करती है ऐसे मास्टर का पार्ट बनना अगर फर्दर अलाउ करती है तो ऐसे कोई क्लब्स को ज्वाइन करना तो जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा आपकी बैलेंस शीट भी बदलेगी क्या बात है अब फिर कई बार यही लोग फिर यानी कई बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है कि तू बदल गया है तू अब वैसा नहीं रहा है शायद घमंड आ गया है तो डू यू फाइंड सच पीपल जो जब आप एक मुझे सर्कल छोड़ देते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं मुझे आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स बट इनिशियली चैलेंज आया था कि तेरे पास अब टाइम नहीं है तू बदल गया है

में yes. में साथ में रहेंगे। अगर दोस्ती रहे का रहे। मतलब यही है कि तो मैं वैसा दोस्त में बहुत अच्छे फ्रेंड्स है ये लाइन मैंने हर किसी को बोली है और आज जितने मेरे फ्रेंड्स हैं पूरा क्रेडिट उनको जाता है मुझे नहीं जाता जी क्योंकि उन्होंने माइंड करना बंद कर दिया उन्होंने समझा कि ये किसी पर्पस किसी मिशन पे है सो ट्रू और अगर हमारा रिलेशन है तो वो उनकी वजह से है क्योंकि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया yeah, तो ये yes. साल में एक बार मिलेगा लेकिन ढंग से मिलेगा so true, <laughs> है, कितना रियल है actually होता है ये और एक बार रास्ते में चल रहे हैं तो फेलियर तो रोज का हिस्सा है वो तो कभी भी आगे पीछे हो नहीं सकती और कई लोग होते हैं जो फियर ऑफ फेलियर की वजह से कई बार ना तो शुरू करते हैं या शुरू भी करते हैं तो थोड़े समय में गिवअप कर देते हैं मैंने देखा आप काफ़ी फियर ऑफ फेलियर पे सेल्फ डाउट पे बात करते हैं तो थोड़ा अगर इफ़ यू कैन गिव ऑडियंस सम इनसाइट्स ऑन हाउ टू टैकल दिस फियर ऑफ फेलियर या फिर जर्नी में जो सेल्फ डाउट आता है उसको कैसे टैकल किया जाए आपके सवाल से दो लाइन्स याद आ गई कि तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है लेकिन तजुर्बा गलत फैसलों से भी आता है क्या बात है <laughs> 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 तो मुझे लगता है कि कीप डूइंग समथिंग ये ज्यादा जरूरी है फियर को देखो डर को आप कभी भी छोटा नहीं कर सकते राइट आप हिम्मत को बड़ा कर सकते हो और अगर हिम्मत बड़ी होगी तो डर छोटा लगना शुरू हो जाएगा क्या बात है राइट मैंने अपनी लाइफ में यही किया मैंने अपने फादर को भी यही करते देखा सीखा भी यही कि अपने आप को एक्सपोज करते रहो कुछ ना कुछ करते रहो मैं नर्सरी में था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे खड़े कर दिया स्टेज पे बोलेगा तो ठीक है जितनी टांगे कांपनी थी नर्सरी में कांप गई <laughs> जितना मजाक उड़ना था नर्सरी फर्स्ट सेकंड तक उड़ गया उसके बाद क्या हुआ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया अब स्कूल के स्टेज पे तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया लेकिन जब पहला सेमिनार करना था जब किसी से पैसे लिए और मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो तब भी बुरे हाल हुए पसीने निकले मैं नॉन एक सी की तरह चल गया लोगों को समझ भी नहीं आया पैसे भी नहीं मिले और लेकिन वो कितना जरूरी था क्योंकि वहां से मैं अगले स्टेप पे पहुंचा जब मैं बेटर बोल पाया फिर अगले स्टेप पे पहुंचा और बेटर बोल पाया तो करते करते एवरी टाइम इफ यू आर टेकिंग एन एक्शन हर बार अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप नेचुरली अपने आप को फियर के साथ कंफर्टेबल कर रहे हो सो ट्रू एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग की है पहला स्टेप ये नहीं हो सकता कि मैं स्टेज पे जाके हजारों लोगों के आगे बोल दू आज मैं बोल लेता हूँ आप बोल लेते हो लेकिन दैट वॉज नॉट आर फर्स्ट स्टेप राइट पहला स्टेप शायद यही होगा कि इवेंट्स में जाके बैठ के सिर्फ उस एनवायरमेंट को देखना कि लोग स्टेज पे चढ़ते कैसे हैं जो खड़े होकर हाथ खड़ा कर लेते हैं वो बोलते कैसे हैं अरे इसने हिम्मत करी उसका मजाक उड़ा ऐसे किया वो हुआ मेरा भी उड़ सकता है लेकिन इसने हिम्मत करी ये माइंड ऑटोमेटिकली कंडीशन होना शुरू हो जाएगा आपने क्या किया आपने एक बड़े हॉल में जाके एक सीट लेके बैठ गए इतनी हिम्मत तो पहला स्टेप है चाहते सब हैं लोग खड़े हो मैं बोलूँ मजा आ जाए पब्लिक स्पीकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फियर आई वॉन्ट टू कॉन्कर इट बट इतना स्टेप भी नहीं किया कि मैं इवेंट में जाके बैठ जाऊँ सिर्फ ऑब्जर्व करूँ तीन चार बार करूंगा ना समझ आ जाएगा हाथ खड़ा कर सकता हूं अगला स्टेप ये नहीं है हजारों लोगों के आगे बैठना है खड़े होना है अगला स्टेप है हाथ खड़ा करना है हाथ खड़ा करना है सवाल पूछना है तुम अंदर से कांप रहे होगे लोगों को पता चले ना चले तुम कांपोगे पहला सवाल जब पूछोगे हजारों की ऑडियंस में से हाथ खड़ा करके तुम कांपोगे वो कांपना तुम्हारा चैप्टर है पब्लिक स्पीकिंग की एक्सपर्टीज का ट्रीट इट एज अ सिलेबस राइट डू इट थ्री फोर टाइम्स यू विल बी अगेन कंफर्टेबल एंड नाउ देर वुड बी a चांस कि कोई कहेगा स्टेज पे आ सकते हो आप फिर हाथ खड़ा करोगे अंदर से कांपोगे लेकिन दो चार मिनट आपने बोल दिया स्टेज पे एंड ग्रेजुअली ऐसे स्टेप्स जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे जितना डरते रह जाओगे कभी नहीं पहुंचोगे डर डर के नहीं होगा कर करके होगा <laughs> क्या बात है <laughs> जी और आई कैन सो रिलेट विथ दिस बिकॉज मैं एक स्टेज फोबी लड़का रहा हूँ मतलब फोबिया लेवल पे तो आई थिंक सिक्स क्लास में स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर ब्लैंक हो गया था तो लोग हंस गए थे तो जिसकी वजह से एक ऐसा फोबिया डेवलप हो गया कि मतलब स्टेज पर जाना मतलब कोई हार्ट में ड्रम बजा रहा हो ना ऐसी स्थिति कान लाल पड़ जाएंगे पैर शिविर करेंगे और ब्लैंक हो जाएगा जैसे चेहरा ऐसी स्थिति में रहता था और ये कितना ब्यूटीफुली आपने कहा कि एक बार वो हैंड रेज करने में भी प्रॉब्लम होती है बट आई ऑल्सो फॉलोड द सेम वे कि इफ़ यू फेस द फियर ओनली देन यू कैन कॉन्कर इट अदरवाइज तो फियर ख़त्म तो कभी भी नहीं होगा बट जितनी बार हम फेस करेंगे वो फेमिलियरिटी आ जाएगी हाउ टू हैंडल दैट सेल्फ़ डाउट सेल्फ डाउट कैसे हैंडल करें कई बार लोग जब रिज़ल्ट नहीं आता तो जैसे कई आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैं कई बार लोग कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो बड़ा अंदर से लगता है मैं सही तो होना मैं सही तो कर रहा हूँ ना अपना डिसीजन भी डाउट करने लगते हैं अपनी एबिलिटी भी डाउट करने लगते हैं अपनी सक्सेस भी डाउट करने लगते हैं तो वो कैसे हैंडल किया जा सकता है मुझे लगता है एक गलती बहुत बार हम कर जाते हैं कि हम ना सोचते हैं ब्लैक और व्हाइट ए और बी जीरो और वन बाइनरी में सोचते हैं right? है, ब्लैक के बीच होता है, आ, एक है right. आप, ये नहीं हो सकता कि सेल्फ डाउट खत्म हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो गए किसी चीज में आप हो किसी चीज में नहीं हो किसी दिन ज्यादा हो किसी दिन कम हो किसी सिचुएशन में ज्यादा हो किसी सिचुएशन में कम हो मैं कहूंगा मैं हजारों लोगों के आगे बोल लेता हूँ शायद सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट्स मेरे आगे बैठे हों तो मैं भी नर्वस हो जाऊँ सोड so यार यूनाइटेड नेशन में पचास प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट बैठे हैं जिनको लाखों लोग सुनते हैं मे बी आई ऑल्सो गेट नर्वस दैट डे तो मैं कैसे कह सकता हूँ आई अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर सो वी ऑल लिव इन ग्रे हमारे ग्रे का अलग अलग टोन हो सकता है लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है ग्रे को जिंदगी ग्रे है हम बहुत टेंशन ले, ले लेते हैं मैं वाइट हूं मैं ब्लैक हूँ मैं जीरो हूँ मैं वन हूं तो आई फील सेल्फ डाउट मेरे अंदर क्यों है इज नॉट अ प्रॉब्लम सब में होता है हाउ इजीली आई एम एबल टू डील विद इट एवरी टाइम क्या पिछली बार से इस बार मेरी डीलिंग बेटर हुई है क्या इस बार मैंने खुद को जल्दी हैंडल किया है दैट इज वेर है प्रॉब्लम विद दिस थिंग के ऑल इज वेल और बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव मेरे अंदर सेल्फ डाउट है बी पॉजिटिव इज सप्रेशन सप्रेस करूंगा सोडा बॉटल ठक ठक थक, थक फाइनली फटेगा राइट द सल्यूशन इज येस देयर इज अ सेल्फ डाउट आई नीड टू एक्सेप्ट इट I need to confront it. इसको क्या कर सकता हूँ हाँ मैं परेशान हूँ मेरे दो दिन तीन दिन निकल गए इस परेशानी में चौथा बचा सकता हूँ आज पांचवा बचा सकता हूँ। अगली बार एक दिन कम एक दिन कम ग्रेजुअली हो सकता है सर्वड आउट पे जीरो हो जाओ कम हो जाओ लेकिन किसी ना किसी चीज में रहेगा फिर उसको डील करो दैट इज हाउ वी शुड डील विद नेगेटिव थिंग्स और फेलियर्स और प्रॉब्लम वी कैनोट स्माइल मेरी वाइफ मुझे छोड़ गई कल उसका मैं फोन <laughs> आया मैं जा रही हूँ

सेल्फ डाउट तो पूरी जर्नी में रहता ही बट उसको डील कैसे करना है दैट इज द बिगेस्ट थिंग इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग सेल्फ डाउट वी वी शुड लर्न टू डील विथ इट इवन मैं कितना या, मैं रेजोनेट कर रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन में कि इवन मैनो आई स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट तो मैं अपने फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ कोई नीड ऐसी है ऐसा कुछ नहीं था बट आई थॉट कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे हम वैल्यू एडिशन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं बट आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ की वेल पीपल एक्सेप्ट क्या मैं कर पाऊंगा इतना स्केड्यूल है सब है क्या मेरे को समय देना होगा और डू आई रियली वॉन्ट इट तो ऐसे सवाल चले थे बट अल्टीमेटली द सेल्फ डाउट वॉज देअर बट आई बिलीव दैट पॉजिटिव थिंकिंग डजन मीन दैट यू डोंट हैव सेल्फ डाउट इट मीन्स यू डोंट लेट योर सेल्फ डाउट स्टॉप यूरूली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सो इवन आई वन अभी मैं जैसे एक स्विस यूनिवर्सिटी के साथ में एक रिसर्च कर रहा हूँ तो पूरा डॉक्टरेट का प्रोग्राम है वो तो मुझे अगेन जब वो मैं मेरे को उन्होंने अप्रोच किया कि आपको इस पर करना चाहिए और मुझे भी रिसर्च में हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है बट पढ़ाई छोड़े तो ग्यारह बारह साल हो चुके हैं तो तब मुझे भी फिर डाउट आया कि कैन आई रियली डू इट कि आपको वीकली तीन चार घंटे देना रिसर्च को प्लान करना थीसेस लिखना और फिर बाद में उस थीसेज को डिफेंड करना वापस नई चीज़ें सीखना एक्सट्रीम डाउट वाज़ देयर मैं दो तीन दिन का उनसे समय मांग करके पूरा कॉन्टेम्पलेट किया उस डाउट को डील किया देन अल्टीमेटली आई थॉट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ठीक है बट एटलीस्ट मुझे रिग्रेट तो नहीं रहेगा राइट right? कि आई बिलीव दैट पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मोर पावरफुल देन द पेन ऑफ फेलियर सो आई ऑलवेज कीपर रूल की एटलीस्ट रिग्रेट में नहीं रहना है मुझे भले ही फेलियर मिल जाएगा चलेगा कुछ सीख लेंगे लेकिन रिग्रेट में तो नहीं ही जीना है तो बहुत डीपली आपने एक्सप्लेन किया और बिल्कुल फ़्रेश पर्सपेक्टिव आपने दिए हमेश मज़ा आ गया बिल्कुल तो हमेश जी आप हैबिट्स पर भी बहुत बात करते हैं कि हैबिट्स कैसे बनाएँ क्योंकि गोल्स पर हमने बात करी डाउट्स पर बात करी तो अब एक चीज़ आती है कि हाउ टू बिल्ड राइट हैबिट्स हैबिट्स का आप कितना रोल देखते हैं कि नॉट सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में या फिर सक्सेस में ओवरऑल जो हैबिट्स हम बनाते हैं वो कैसे मदद करती हैं कैसे आगे बढ़ाती हैं जो कहते जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्योंकि गोल्स डिपेंडेंट ही आपके हैबिट्स पे है क्योंकि एक्शन जो हैबिट करवा सकते हैं वो और कोई चीज़ नहीं करवा सकती जो चीज़ आदत में होती है वो हम करते करनी पड़ती नहीं है वो कर जाते हैं अगर कोई चीज़ हैबिट में है तो हमें उसके लिए स्पेशली सोचना नहीं पड़ता हो जाती है

जो रोज़ करनी है उनको आप हैबिट का पार्ट बना सकते हो बट एट द सेम टाइम हैबिट्स जितना अच्छा और स्ट्रांग रोल प्ले करती हैं डालना उतना ही मुश्किल भी होती हैं टाइम लगता है एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में करता गया करता गया तो बेटर होता गया दो कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा एक्चुअली दो चीज़ें मेरे फेवर में गई हैं एक है की स्टोन हैबिट जो पावर ऑफ हैबिट बुक में चार्ल्स बताते हैं दैट प्लेड अ ग्रेट रोल इन माई लाइफ की स्टोन हैबिट इज़ के आप बीस आदतें पकड़ो और चेंज करो ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क लगेगा फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करता है मैं मेडिटेशन भी करूँ मैं रीडिंग भी रोज करूँ मैं वर्कआउट भी करूँ मैं उसके बाद कुछ टाइम प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में लगाऊँ मेरे सोने की आदत भी ठीक हो मेरी खाने की आदत भी ठीक हो पीने की आदत ये बहुत लंबा टास्क है राइट लेकिन की स्टोन हैबिट मीन्स कोई एक ऐसी हैबिट पकड़ो जो चेन की तरह बाकी हैबिट से लिंक्ड हो उस एक हैबिट को ठीक करने से आपकी कई सारी हैबिट्स ठीक हो जाती हैं सो इट इज लाइक गरारी नहीं होती एक एक पहिया घूमता तो कई पहिया घूमते हैं डोमिनो डोमिनो इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट। तो right, जल्दी उठ गया अगर इसी पे फोकस करना इसी के रिलेटेड दस वीडियो देख लूंगा इसी के रिलेटेड चार किताबें पढ़ लूंगा लेकिन जल्दी उठने की आदत डालूंगा अगर उठ गया अब उठ के क्या करूंगा उठ के वर्कआउट करूंगा क्योंकि एक टाइम पे उठ रहा हूँ फिक्स हो गया वर्कआउट कर लिया तो पूरे दिन के लिए मेरी एक ऑक्सीडेशन अलग होगी मेरी एनर्जी अलग होगी चैनलाइज अलग हो गया मेरी बॉडी की फिट अब क्योंकि वर्कआउट कर लिया तो खाने वक्त मैं थोड़ा कॉन्शियस भी रहता हूँ कि जंक नहीं खाना वो चीज़ें खा रहा हूँ जो मेरे माइंड को हेल्प कर रही है वो नहीं खा रहा जो मुझे आलस दे रही हैं क्योंकि सुबह सुबह आधा घंटा वर्कआउट पर लगाया है राइट अब वर्कआउट किया होता है तो रीडिंग भी जो करते हो उसके टाइम पर थाट्स ही अलग आते हैं डोपामेन रश होता है बॉडी में डॉर्फिन अलग लेवल पर रिलीज होते हैं मैंने एफर्ट किस में डाली है एक ही चीज़ में उठने में अब उससे मेरा टाइम पे काम भी शुरू हो रहा है टाइम पे काम शुरू हो रहा है टीम भी देख रही है बंदा टाइम पे पहुंच रहा है आपकी टीम भी टाइम पे आना शुरू हो जाती है राइट right? आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आप टाइम पे खाना खाते हो क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट टाइम पे किया था एंड ग्रेजुअली करते करते बाय द एंड ऑफ द डे आपको नींद भी अच्छे आ जाते हैं क्योंकि सुबह उठने से आपने वर्कआउट से लेकर रात तक अपने आपको निचोड़ लिया है एंड यू विल फॉल अ स्लीप इन टाइम और क्योंकि आप टाइम पे सो गए हो आपका साइकिल ठीक हो गया ये पहले दिन मैंने सोच लिया सुबह उठना शुरू कर दूंगा नहीं बट मेरा पूरा फोकस एक हैबिट पे गया टाइम पे उठने का क्या बात सो की स्टोन हैबिट ऐड करनी है तो आप उसको किसी एक दो आदतों के बीच में फिक्स कर लो फॉर एग्जाम्पल आप आपको मेडिटेशन जोड़नी है उसमें तो आप ये कर सकते हो कि ब्रश करने के बाद और नहाने से पहले क्योंकि ब्रश भी आप रोज कर रहे हो नहा भी रोज रहे हो तो ये दो चीजों के बीच में कर लोगे तो रोज होना शुरू हो जाएगी वरना आप रिमाइंडर लगाते रह जाओगे मुझे वाइटेट करना है स्नू स्नू रात हो जाएगी सो पुट योर हैबिट बिटवीन टू हैबिट्स तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट का पार्ट बन जाएगी क्या ब्यूटिफुल है बिल्कुल हैबिट स्टैकिंग जो आपने कहा एंड तोड़ने में क्या करें अब ये तो बनाने की बात तो हो गई ठीक है लेकिन कोई हैबिट ऐसी गलत है सपोज तो उसको कैसे तोड़ा जाता है टेक्निकली ना कभी भी हैबिट छोड़ी नहीं जाती हैबिट सप्रेस नहीं करी जाती जर्नली जितने भी मैंने अप, अपने एक्सपीरियंस में देखा है हैबिट्स रिप्लेस करी जाती हैं रिप्लेस करनी आसान होती है छोड़नी मुश्किल होती है अगर मुझे रात को आदत है रील्स पे लगे रहना और मैं बैठ जाऊँ मुझे रील्स नहीं देखनी दिस सप्रेशन बहुत मुश्किल है ध्यान जाएगा माइंड को आदत है कई चीजें हैं लेकिन इफ आई रिप्लेस इट विथ मुझे कुछ और चीज़ जो मे बी उतना रश नहीं दे रही लेकिन कुछ रश दे रही है इट कैन बी रीडिंग इट कैन बी टॉकिंग टू माई फैमिली कुछ और हो सकता है इट कैन बी मेडिटेटिंग कोई एक चीज़ क्योंकि खाली बैठ जाऊंगा तो माइंड भटकेगा कुछ करना चाह रहा है वो उसको चुल है उस चुल को शॉर्ट करना है तो रिप्लेसिंग इज ऑलवेज़ हेल्पफुल तो रिप्लेसमेंट जनरली बहुत ईजी होती है सप्रेशन बहुत मुश्किल होता है क्या बात है और रिप्लेसमेंट के लिए इस दर एनी स्ट्रैटेजी कि जिसमें इंसान ये ढूंढ सके कि अगर सपोज मुझे मोबाइल की उससे बाहर आना है तो उसको किस चीज से मैं रिप्लेस करूं। जिसमें मैं जिसमें ऐसा कुछ से रिप्लेस करना so पड़ता हर है। habit के पीछे ना कारण होगा कि ये habit मुझे क्यों पसंद है इतना सा सवाल ना आपको बता देगा किस चीज से रिप्लेस करना है है किसी को पॉन की हैबिट है तो टेक्निकली उसको अगर सवाल करना है कि यार मैं क्यों देखता हूँ क्या मुझे मिलता है वो क्या मिलता है कि पीछे वो सोचना शुरू करेगा कि एक माइंड को स्टेट तो मिल रही है एक रश मिल रहा है एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो जो ये एलिमेंट्स हैं ना ये कॉमन निकलेंगे सेटिस्फैक्शन रश हैप्पीनेस ये एलिमेंट्स मुझे और कहाँ मिल सकते हैं क्योंकि पॉन की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी हैप्पीनेस की मिल सकती है सेटिस्फैक्शन की मिल सकती है सेम नहीं होगी थोड़ी कम इंटेंसिटी होगी तो मुश्किल चीज़ें हो, हो सकती हैं शुरू में तो ग्रेजुअली वो आपको काम आएंगी बट एटलीस्ट यू हैव रिप्लेसमेंट तो आई थिंक वो जो हैबिट लूप के अंदर ट्रिगर रिवॉर्ड और बिहेवियर जो आता है तो आई थिंक दैट रिवॉर्ड एलिमेंट जो है उसको समझ मेंटल लेवल पे क्या है उसको समझ के उसको कैसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिप्लेसिंग एब्सोल्युटली बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन कर दिया एक और चीज़ बीच में आपने फोकस की भी बात की तो आई थिंक आप कॉन्सेंट्रेशन फोकस पे भी काफ़ी बात करते हैं तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड करना होता है कि अपने काम में फोकस को कैसे बिल्ड करें अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे कि आज शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में इतना लो अटेंशन स्पैन हो गया है कि लोग जस्ट पंद्रह पंद्रह सेकंड में मैं कई बार अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम देखें तो वट इज़ द आइडियल ड्यूरेशन तो वो एल्गोरिज्म सजेस्ट कर रहा होता पंद्रह सेकेंड इज़ द आइडियल ड्यूरेशन इस लेवल पे अटेंशन स्पेन आज की डेट में आ चुकी है सो so, ऐसे एनवायरमेंट के अंदर हाउ टू मैंटेन फोकस कॉन्सेंट्रेशन कैसे मैंटेन करें पहले तो मुझे लगता है हम फ़ायदा सोचें इसका कि इस एनवायरमेंट में हम इसको अगर फ्रूटफुली लें पॉजिटिवली लें और सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि जब हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है तो अपने को एक ही काम करना है सक्सेसफुल होने के लिए Focus फोकस इज इट इजी नाउ बिकॉज पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड नाउ राइट लोग पंद्रह पंद्रह सेकंड के अंदर लगे हुए हैं दो दो घंटे निकाल रहे हैं उन दो घंटों में आप अपनी एडवांटेजेस बिल्ड करो आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करो अपने एज बिल्ड करो अब अगर करने ही नहीं है तो देखो डिस्ट्रैक्टेड रहो जी लेकिन इस स्टेट में हम सब हैं आजकल क्योंकि वेन वी सी रील्स अरे वाह सो क्यूट नाइस नाइस ये क्या हो रहा है ये दुनिया में क्या हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है लोग कितने इनसेंसिटिव है टिंग <laughs> <laughs> मजा ही आ गया एक एक और एक और वाह एक मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है मेरी वाइफ ऐसी क्यों नहीं है मेरी लाइफ ऐसी वॉट इज हैपनिंग एपनिंग उस मेमरी के साथ उस फोकस के साथ वर्किंग मेमरी जिसको हम कहते हैं जो मेन आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है उसको तो इन्हीं में एग्जॉस्ट कर दिया हमने वो तो बची नहीं और अगर वो एग्जॉस्टेड है तो लाइफ में कुछ बड़ा कैसे हो सकता है सो नाउ इफ वी कम टू अल्यूशन सोल्यूशन इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि हमें कुछ टाइम जोन्स बनाने चाहिए हम इंटरनेट से दूर नहीं जा सकते वी वी इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग मोबाइल फोन्स आर ब्लेसिंग वी शुड स्टॉप कर्सिंग देम राइट हमें वो हम वो नहीं बनेंगे आजकल के बच्चों के हाथ में फोन है आजकल लोगों के नहीं इट इज़ अ ब्लेसिंग बट ब्लेसिंग को यूज कैसे करना है पहले जमाने में क्या होता था ना हमारे अगर हम याद करें टू थाउजेंड फाइव सिक्स से पहले तो डायल अप कनेक्शन होते थे राइट पूरा वो बचता था फोन फिर जाके इंटरनेट कनेक्ट होता था और इतना एक्सपेंसिव होता था कि हम कारण के साथ ऑनलाइन जाते थे 2010-11 में पाँच सौ रुपये का एक जी था तब भी लोग रीजन के साथ मोबाइल डेटा ऑन करते थे फिर ऑफ करते थे अब क्योंकि इट इज़ सो फ्री इंडिया इज़ द चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड दैट इज़ वाई वी हैव द हाइस्ट कंजप्शन इन द वर्ल्ड तो बिकॉज ऑफ दैट हर वक्त वो एक्सेस है कि हम बिना कारण के एक सेकेंड कोई लिफ्ट में खड़ा होता है फ़ोन निकल आता है एंड वी स्टार्ट कंज्यूमिंग दो मिनट बैठे हैं बात हमारी अगर हम कुछ बात नहीं मिल रही हम फोन पे होंगे सो so, इस इस चीज की वजह से द सोल्यूशन यहीं से निकलता है कि लेट्स हैव टाइम स्लॉट्स फॉर इंटरनेट एक छोटी सी टिप जो मेरी लाइफ में छोटी सी है लेकिन व्हाट्सएप हम सब की जिंदगी का पार्ट है राइट right? बट कोई एमरजेंसी होगी तो कोई मुझे व्हाट्सएप पर नहीं बताएगा वो फ़ोन कर लेगा तो मेरा व्हाट्सएप का बैकग्राउंड डेटा जो है वो ऑफ है इट मीन्स वेन आई विल ओपन व्हाट्सएप तब मैसेज आएंगे वो खुद से नहीं आते रहेंगे छोटी सी चीज मैंने करी हुई है तो मेरे को वो नोटिफिकेशन तंग नहीं करती इसी तरह से मैंने डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स रखे हुए हैं कि ये मेरा सोशल मीडिया का स्लॉट है ये मेरा फोन का स्लॉट है क्योंकि मुझे और बड़ी चीजें करनी है जिंदगी में मुझे खुद को ग्रो करना है तो मैं सारा टाइम नहीं बिता सकता सोशल मीडिया पे तो ये कुछ कुछ छोटी छुड़ छोटी टिप्स अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सबको ढूंढनी चाहिए मैं मेरा जैसे राइटिंग का जो स्टाइल है वैन सिट ऑन रिसर्च तो आई आई पुट अ टाइमर इधर फोन पे जनरली फोन भी नहीं होता फोन ड्रॉर में होता है वो पुरानी एक घड़ी रखी हुई है जो किचन वाला टाइमर होता है वो रखा हुआ है उस पैंतीस चालीस मिनट का टाइमर लगा दिया अब मेरी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है ये चालीस मिनट मेरे फोकस के फिर पाँच मिनट की ब्रेक ली फिर तीस पैंतीस डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स रखे हुए हैं तो इफ इफ द प्रॉब्लम इज हेयर द सल्यूशन इज हेयर प्रॉब्लम फोन में है तो सोल्यूशन भी फोन में है <laughs> कितना बहुत ही अच्छा आपने ही कहा कि कॉन्शियसली यूज़ करें तो ये ब्लेसिंग है एक्चुअली राइट इफ़ ही आई थिंक वो जो डिटैचमेंट से यूज़ करने में हम कई बार स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करते हैं कि जब तक आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तब तक बहुत बढ़िया है जिस दिन फोन आपको यूज़ कर रहा है उस दिन गड़बड़ हो जाएगी तो कई लोगों के साथ ही जो ऑटोमेटिक मशीन की तरह जो यूज़ करने लग गए हैं उन्हीं के साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लमेटिक है अदरवाइज़ जो कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं कॉन्शियसली अपने जीवन को जी रहे हैं वो लोग तो इसमें से जो बेस्ट निकाल सकते हैं मुझे एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो रैट्स होते हैं तो रैट्स पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड उनके ब्रेन पे लगा दी और एक लीवर एक स्विच बना दिया तो अब जैसे ही चूहा आके उस स्विच पे क्लिक करता है तो उसका डोपोमीन सर्किट एक्साइट होता है और उसको मज़ा आ जाता है पूरा डोपोमीन आता है रिलीज़ होता है उसके अंदर तो चूहा बार बार आता है दूसरी बार आता है तीसरी बार आता है कंटिन्यूसली आता है उस लीवर पे मगर एवरी टाइम दैट करंट इज़ पासिंग इट इज़ डैमेजिंग द ब्रेन एज वेल तो लगभग 20-25 बार में चूहा मर जाता है वो रोक नहीं पाता अपने आप को मर जाता है अब ये सेम एक्सपेरिमेंट डॉल्फिन पे करते हैं डॉल्फिन पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं एक वॉल बनाते हैं डॉल्फिन जैसे इस वॉल पे हिट करेगी वो इलेक्ट्रोड में से करंट आएगा और डोपमिन रिलीज होगी और मज़ा आ जाएगा उसे तो डॉल्फिन आती है हिट करती है मज़ा लेती है फिर आती है हिट करती है मजा लेती है और फिर नहीं आती ब्रेक ले लेती है और फिर बाद में रिवाइव करके फिर वापस आती है फिर हिट करती है वॉल को फिर मजा ले, ले लेती है फिर हिट करती है फिर मजा ले, ले लेती है फिर चली जाती है तो इसलिए हमेशा डॉल्फिन बने रेड रेटना वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत ही शानदार <laughs> तो वो जो समझदार लोग वो डॉल्फिन बन के चलते हैं वो रैट नहीं बन जाते कि, कि किसी भी चीज के साथ ये लागू होता है चाहे आप पार्टी पसंद करते हैं चाहे आपने जैसे ये ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए बहुत ही मज़ेदार रहा अब एक और सेगमेंट में मैं आना चाहता हूँ आपके रिश्तों पे कि पर्सनल लाइफ कैसी है अब पब्लिक में तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं तो पर्सनल लाइफ में आपकी वाइफ का क्या रोल रहा आपको ग्रो करने में कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक लेडी होती हैं तो वट रोल योर वाइफ इज़ प्लेइंग इन योर सक्सेस सो मैं ना ऐसा इंसान था कि टिल टू मेरे घर वाले जब भी शादी की बात होती थी तो मैं कहता था मुझे शादी नहीं करनी सो so, सिर्फ कहता नहीं था मैं बहुत क्लियर था और केस स्टडी बना के बैठा हुआ था अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग कि मेरे पेरेंट्स ने सेविंग भी नहीं करी थी मेरी शादी के लिए किसने नहीं करनी कन्विंस कर चुका था एक होता है कि कन्विंस करना है शायद करवा दें कन्विंस थे मतलब जब भी वो शादी की बात होती थी मैंने लिस्ट निकाल के रखी हुई थी कि देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नहीं करी नरेंद्र मोदी ने नहीं करी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं करी हेनी फोर्ड ने जितने भी नाम थे यूएस के इंडिया के और उनकी ऐसे पैराग्राफ्स रेडी थे मेरे पास कि वाई दे डिड नॉट गेट मैरिड एंड दे अचीव समथिंग एंड मैं अपना फोकस मेंटेन करना चाहता हूँ डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता हूँ और इस थॉट के साथ मैं बहुत क्लियर था कि मेरी मैं अपनी मिशन और विजन पे लगा रहूँगा शादी नहीं करूँगा एंड देन आई मेट गुंजन और जब गुंजन से मिला तो ये बहुत बड़ा लेसन था कि हम जिंदगी में कुछ असूल और रूल बना लेते हैं बट लाइफ में ओपन रहना चाहिए नहीं तो जिंदगी आपको सिखा देगी <laughs> जब गुंजन से मिला तो मैंने देखा कि यार जब इससे बात होती थी मेरी तो मैंने कहा यार कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है एक दूसरे के साथ सपोर्टिव बातें हो रही है उसके पास भी कई आइडियाज़ है शी शेयरिंग आइडियाज में उसकी करियर हम करियर्स लाइफ प्रोडक्टिव बातें चीज़ें ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और मतलब uh, बहुत लाइक माइंडेड थाट प्रोसेस था तो जब लाइक माइंडेड थाट प्रोसेस की पावर देखी कि अब मेरे लिए इट्स लाइक शी गॉट अ सेकेंड ब्रेन आई गॉट अ सेकेंड ब्रेन राइट एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन हो गई तो बड़ा उसका एक मजा आना शुरू हो गया एंड कि अगर जिंदगी भर ऐसे हो तो कितना अच्छा होगा एंड फेल्ट कि कि यार uh, मतलब वन मुझे <laughs> शादी करनी चाहिए राइट हु इज़ इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन बेटर यू नो इंटरफेरेंस हम कहते हैं कि दो वे फिर uh, एक दिन uh, जब उसके घर में आ गया ये क्वेश्चन कि भाई अब जब गुंजन की फैमिली की बारी आ गई कि उसकी शादी करनी है और लड़के वाले देखने वाले आने आ, आएंगे तो फाइनली गुंजन ने एक दिन मुझे कहा कि भाई अब बताओ करनी है कैसे है क्या <laughs> प्लान है कल आ जाएंगे लड़के वाले अब वो थोड़ी सी जिद आ गई ऐसे कैसे भी देखने आ जाए यार एंड <laughs> uh, अब मैंने फैमिली को प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ था देवर लाइक ओके बात खत्म हो चुकी थी हमारे घर में इस बंदे ने शादी करनी है एंड वन डे आई वेकअप एंड आई गो टू माई पेरेंट्स रूम क्योंकि अगले दिन उसको अगर नहीं करी बात तो लड़के वाले देखने आ जाएंगे सरगोड मैं पेरेंट्स रूम एंड ऐसे मैंने कुछ बात करनी है मम्मी पापा पापा कहते हैं पापा बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं हाँ बोल मम्मी लेटे हुए हैं हाँ बोल मैं थोड़ा बैठ जाओ बैठ के बात करनी क्या हो गया मैं थोड़ी बात <laughs> ऐसी है कि बैठ के करने वाली है थोड़ा सा बैठ के क्या करना है अच्छा बता क्या हुआ एनीथिंग सीरियस मैं शादी करनी है पापा का पहला रिप्लाई था क्या हुआ <laughs> मम्मी का तो चेंज कैसे हुआ ठीक है मैंने क्या करनी है तो देवर हैप्पी एक्साइटेड एंड बट हमने तो सेविंग ही नहीं करी सो एनीवेज आई मीन देन ग्रेजुअली मैरिज हैपेंड मैंने लव मैरिज रही है आप इट इज अ लव मैरिज ये मैंने बैक स्टोरी बता दी बट कंट्रीब्यूशन की बात करूं यहीं से आईडिया हो गया होगा कि देन शी इज एंड वाज एंड विल बी अ ग्रेट पिलर सो so, ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वन ऑफ़ द बिगेस्ट पिलर जैसे फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट so, गुंजन ने भी फैमिली का पार्ट बन के वही स्ट्रेंथ वही सपोर्ट मुझे आज भी मिल रही है सो ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी जाते हैं लेकिन uh, मुझे यूनिवर्सिटी घर पे मिल जाती है <laughs> 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 या आपके जीवन में क्या रोल अदा किया है मेरी डेफिनेशन से आई एम स्पिरिचुअल क्योंकि मैंने जितनों से भी बात करी जब भी किसी स्पिरिचुअल गुरु को मिला तो मैंने डेफिनेशन समझने की कोशिश करी और देखा कि सबकी अलग है राइट सो आई वुड से स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग नो डेफिनेशन फर्स्ट राइट मेरी डेफिनेशन है गोइंग विद इन दैट इज इट अगर कोई कहे कि स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि तुम ये नहीं पहनते वो पहनते हो ये नहीं खाते वो खाते हो ये नहीं पढ़ते वो पढ़ते हो पार्टी करते हो नहीं करते हो तो वो सबके अपने अपने कोड हैं कोई स्पिरिचुअलिटी बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है जहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है राइट इट इज़ योर थाट प्रोसेस आई फील आई एम स्पिरिचुअल एंड आई डोंट जज एनी एंड आई थिंक नो वन शुड जज मी फॉर मी इट इज़ गोइंग विद इन मैं मेडिटेशन करता हूँ मेडिटेशन के साथ खुद के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ऑन एंड ऑफ पढ़ता रहता हूँ या कभी सुन लेता हूँ और उससे थाट्स जो मुझे लगता है फिल्टर करके मेरे काम के हैं वो लेता हूँ और वेन आई गो विद इन माई सेल्फ उनको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ लवली सो अब हम रैपिड फायर पे जाएंगे हमेश तो रैपिड फायर में जाए उससे पहले एनी थ्री सक्सेस पॉइंट्स दैट यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस एनी थ्री थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ दैट यू कैन गिव श्योर आई विल से अगर मैं अपनी लाइफ को समराइज करूँ ना तीन पॉइंट्स में तो आई विल से थ्री सीज थ्री सीज आर फर्स्ट इज करेज हिम्मत करते रहो जो मैंने कहा था कि डर डर के नहीं होगा कर करके होगा तो करेज बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ करते रहो छोटे छोटे रिस्क लेते रहो छोटे छोटे रिस्क लोगे रिस्क के साथ कंफर्ट बनेगी रिस्क के साथ दोस्ती होगी दोस्ती होगी तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे सेकेंड इज कंसिस्टेंसी शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है मेरी लाइफ में आई वॉन्ट से एम द स्मार्टेस्ट नो मैं बहुत इंटेलिजेंट उन्हें बेस्ट स्पीकर उन्होंने मेरे से अच्छे ट्रेनर्स इंडिया में हैं आई नो मेरे ट्रेनर्स में से मच मोर नॉलेज रखते हैं लाइक विद फुल रिस्पेक्ट टू दैम बट शायद मैं डिफरेंट क्या कर पाया ना मैं कंसिस्टेंट रहा मैं लगा रहा सो कंसिस्टेंसी हैज़ टेकन मी टिल टिलयर एंड कंसिस्टेंसी विल फॉर श्योर टेक मी प्लेसिस सो दैट इज वाई मा बिग फैन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड थर्ड सी ये ये वर्ड मेरा फेवरेट है इट इज़ नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश और हिंदी आई डोंट नो बट समझ जाएंगे सब इमोशन को वो चुल <laughs> चुल समझते ना आपके वो कीड़ा अंदर कीड़ा एक, वो आ, कुछ करना है वो क्यूरसिटी भी है वो एम्बिशन भी है वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना भी है वो इसको रोज ग्रो करना भी है वो चुल है कि ना व्हाट नेक्स्ट वॉट डिफरेंट वॉट न्यू जो मैं कर रहा हूँ उसमें और क्या किया जा सकता है क्या सीखा जा सकता है क्या बनाया जा सकता है वो ना डेड तरीके से ठीक है कंसिस्टेंट है जी हम लगे रहेंगे नहीं आई हैव दैट चुल चुल्सो के आई एम ए ग्रोइंग आई एम ए जस्ट मेकिंग वीडियोज़ एवरी डे और आई एम ग्रोइंग द वे आई मेक वीडियोज एवरी डे गिविंग कंपनी ने बुलाया मैंने जाके सेमिनार कर दिया और एवरी टाइम क्या अलग कर सकता हूं यार? इस बार ओपनिंग अलग करते हैं इस बार क्लोजिंग अलग करते हैं, हैं। जिंदा दिली रखती है वो बड़े से बड़ी गाड़ी बड़े से बड़ा पैसा बड़े से बड़ा ब्रांड बड़े से बड़ा डेस्टिनेशन आप इसलिए करते हो कि आपको एक लाइफ फील हो वो चुल आपको रोज जिंदा रखती है सो नाउ वी आर मूविंग टू द रैपिड फायर राउंड अगर आपकी लाइफ में एक मूवी होती यानी कि आपकी लाइफ पे अगर एक मूवी बनाए तो उसका क्या टाइटल होगा राही अनजान <laughs> क्या बात ऑनटरप्रिनशिप की जर्नी में आपको सबसे अनएक्सपेक्टेड लेसन क्या मिला है अभी तक मुझे लगता है कि इन इन ऑंटरप्रिनशिप दिस इज वॉट आई फील नाउ आफ्टर लर्निंग लेसन आई एम नॉट द बॉस एंड ना कोई इन्वेस्टर बॉस होगा ना मैं बॉस हूं ना टीएल किसी का बॉस है ना कोई हेड किसी का बॉस है बॉस है शीट स्प्रेड शीट उस पर अगर कुछ लिखा है करने का उसको जो फॉलो कर रहा है वो राइट right है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा और डिस्कस भी नहीं कर रहा वो रॉन्ग है लवली आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क वाली डिसीजन कौन सी थी जो फिर बाद में जाके सक्सेसफुल हुई आई थिंक स्टार्टिंग द यूट्यूब दो हज़ार बारह में यूट्यूब शुरू करना इससे बड़ा रिस्क नहीं हो सकता यस <laughs> yes, जब लोगों को पता भी नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा right, और अच्छी जॉब छोड़ के और वो जॉब जो फाइनली तुम्हारे घर को तुम्हें कंफर्टेबल कर रही है कि इतने सालों की स्ट्रगल खत्म हुई है अब तुमने कोई दो पैसे जोड़े हैं और अब तुमने फिर उसको लगा दिया डाउन पेमेंट कर दी लैपटॉप ले आए दो लाइटें ले आए कैमरा ले आए और अगले एक साल के लिए घर वालों को पैसे दे दिए बारह महीने की मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन लो मेरा पैसा जीरो <laughs> अब लग जाओ, कमरे के अंदर बंद कर लो खुद को क्योंकि पैसे ही नहीं है कि बाहर भी जा सो <laughs> <laughs> so अपनी लाइफ मिशन को तीन शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होंगे दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपना सपना पूरा करना <laughs> क्या बात है जी कौन सी बुक है जो आपके जीवन पे सबसे गहरा प्रभाव डालती है जैक uh, कैंडफी की बुक है द सक्सेस प्रिंसिपल्स देट इज वन बुक आई ऑलवेज फील जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है सबसे रिबेलियस काम क्या किया माई जॉब so, uh, तो मैंने अपने बॉस को पहले पिच किया कि हम ये कंपनी में ही करते हैं एज ए ट्रेनर हम काम कर रहे हैं तो हम इंटरनेट पर चलते हैं दो हजार बारह में इट तो वॉज अ रिजेक्शन तो वो भी अपनी जगह ठीक थे उन्होंने आइडिया रिजेक्ट कर दिया तो मैंने रिजाइन कर दिया वेन आई रिजाइन ही कोच्ड मी गाइडेड मी बट इट वॉज नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे ही सेट के इस कंपनी के बाहर तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं जब तक कंपनी का लोगो तुम्हारे प्रोफाइल के साथ जुड़ा है तब तक तुम्हारी पहचान है और मैंने किसी अपने कुलीग को बोला हुआ था कि कोई बात नहीं यार जब न्यूज़पेपर में नाम आएगा ना दे फील प्राउड ऑफ मी और उस वो बात उन तक पहुंची तो उसका भी उन्होंने मजाक उड़ा दिया कि देखते हैं जब तेरा न्यूज़पेपर पे नाम आएगा नो वन वुड इवन रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम टुडे योर नेम एंड इन द वर्ल्ड तो उस सब को सुनने के बाद फिर वो आग और बड़ी हो गई और अब तो फर्क नहीं पड़ता अब शायद वो स्टेज नहीं है कि अब न्यूज़पेपर में नाम आता और मैं उस दिन को याद करता हूँ आउटग्रो कर गया उसको लेकिन जब पहली बार न्यूज़पेपर में नाम आया था तो मुझे सीधा वो मोमेंट याद आई थी <laughs> फिर आगे कोई उनका आया जवाब लेट पास्ट बी द पास्ट अगर आप अपने यंगर सेल्फ को लेटर लिख के कुछ सीख दे सके तो क्या देंगे मुझे लगता है कि मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तुझे टाइम वेस्ट कम करना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था मैं ये नहीं कहूँगा कि तुझे फ़ोन पे नहीं लगना चाहिए था या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए थी या तुझे याहू मैसेंजर पे चैट नहीं करते रहना चाहिए था बस एक चीज़ कहूँगा तेरे को टाइम देख के करना चाहिए था मैनी टाइम स्पेशली दोज हु आर इन टीन एज और यंग एज हुआ आर वॉचिंग दिस अगर अर्ली ट्वेंटीज एंड टीन एज के लिए स्पेशली यंग तो हम सभी हैं डोंट स्पेंड टेम्प्रेरी टाइम ऑन परमानेंट थिंगस एंड डोंट पुट योर परमानेंट टाइम ऑन टेम्प्रेरी थिंग्स कुछ समय आपका हर रोज़ होता है जो परमानेंट चीज़ों पर लगना चाहिए और कुछ समय है जो आपकी टेम्प्रेरी चीज़ों पर लगना चाहिए अगर वो रिश्ते ज़िंदगी पर साथ निभाने वाले हैं वो एक प्रॉपर टाइम अफोर्ड कर सकते हैं अगर वह फ्लिंग्स हैं क्रशेज हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके गोल्स का टाइम लें अगर आप की कोई कोर्स कोई बुक कोई चीज़ कोई इंट्रैक्शन आपको जिंदगी में कुछ बनाने वाली है उस पर ज़्यादा टाइम लगे और अगर कोई एंटरटेनमेंट है रिलैक्स करने के लिए उस पर कम टाइम लगे छः घंटे गेम्स खेलना मे नॉट बी हेल्प यू परमानेंटली आधा घंटा एक घंटा खेलना कैन हेल्प यू लवली अपनी ड्रीम डिनर पार्टी में तीन लोगों को बुलाने का मौका मिले जीवित हो या फिर जो गुजर भी चुके हैं कौन वो तीन लोग होंगे पहले तो शहीद भगत सिंह होंगे फॉर श्योर आई वुड लव टू इन्वाइट दूसरे आई वुड कॉल माई ग्रैंड मदर राइट right? uh, बहुत सारी बातें दादी नानी से करने वाली पेंडिंग है तो मैं उनको जरूर बुलाना चाहूँगा राइट एंड थर्ड आई वुड से वो टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि बापू भी वहाँ बैठे होंगे और भगत सिंह भी वहाँ बैठे होंगे दो आइडियोलॉजी <laughs> क्लैश <ideologies laughs> कर सकती है बट आई थिंक अब डिस्कस करेंगे वन इंडिया इज इन अ बेटर स्टेट बेटर थिंग्स तो अब उनकी डिस्कशन अच्छी होगी क्योंकि दोनों का इंटेंट बहुत अच्छा था तरीके अलग थे तो आई थिंक दादी दादी और नानी में एक ले या चार बिठा रहा हूँ भगत सिंह और गांधी जी बापू क्या बात है टेबल हो जाएगी <laughs> तो वो कौन सा सवाल है जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछे लेकिन कोई पूछता नहीं है मेजोरिटी लोग सिर्फ सक्सेस का क्वेश्चन हैं तालियां देखते हैं तपस्या नहीं तपस्या देखते नहीं देखते ब्यूटीफुल <laughs> सबसे हिलेरियस एडवाइस जो आपको कभी मिली है वो क्या है जब मैंने YouTube जर्नी शुरू करी थी तो मेरे दो तीन फ्रेंड्स ने मिलकर प्रॉपर बैठ के मुझे समझाया था कि देख तू तो अच्छा बोल लेता है तूने नौकरी छोड़ दी है तो YouTube पे तो कुछ चल नहीं रहा ना व्यूज़ आ रहे हैं कुछ तेरा बन नहीं रहा होगा तेरे पास पता ही था उनको सब खत्म करके बैठा हुआ हूँ तो तू न्यूज़ चैनल में ट्राई कर ले हमारी जान पहचान हम लगवा देते हैं आपकी पर्सनल बकेट लिस्ट में अगली तीन ऐसी चीज़ें क्या हैं जो आपको करनी है मेरा एक विश था कि जब हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे और कुछ ज़िद्दें हैं जो पूरी हो जाएंगी जो कर ली तो आई आई एंड गुंजन वी वॉन्टेड टू हेल्प चिल्ड्रेन इन एजुकेशन में मेरी लाइफ का सबसे क्लोजेस्ट कॉज है किसी को खाना खिलाना लग सकता है किसी को आ, अलग अलग होते हैं मेरे लिए एजुकेशन इज़ क्लोजेस्ट बिकॉज मैं कभी स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन तो उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा करना सो लास्ट ईयर वी हेल्प हंड्रेड चिल्ड्रेन हंड्रेड uh, स्टूडेंट्स को हमने फंड किया इस साल कोशिश है कि उसको मिनिमम हम uh, कुछ उससे इंक्रीज कर पाए 200, सौ तीन सौ पाँच आई एम नॉट कमिटिंग ऑन दैट बट वो एक बकेट लिस्ट में हमेशा रहेगा क्योंकि अपनी ज़िद पूरी कर ली हैं अब उसके बाद वो लिस्ट चलती रहेगी अब यही है कि जितना हम कर सकें टूवर्ड्स दैट सेकेंड बकेट लिस्ट पे है टू पुट मोर फोकस एंड अटेंशन टू यूट्यूब चैनल उसको और और समझना और अच्छा करना और लोगों को उस, उसके थ्रू और लोगों तक बात को पहुंचाना ये है एंड थर्ड इज़ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड सम अकेडमीज़ के बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि मैं एक कोच हूँ ट्रेनर हूँ बट uh, पूरी दुनिया को मैं अकेला नहीं बदल सकता क्योंकि मैंने इन्फ्लुएंस को समझा है यूट्यूब को काफ़ी समझा है कोचिंग को समझा है ट्रेनिंग को समझा है पब्लिक स्पीकिंग को समझा है मेरी जो चार पांच स्ट्रेंथ्स हैं तो मैं रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि और लोगों में ये मैं पास ऑन कर पाऊँ एंड देन एवरी फील्ड कैन हैव अकेडमी कोई फिटनेस में बहुत अच्छा है बट उसको ये सारे एलिमेंट्स नहीं पता तो वो भी लाखों लोगों की हेल्प कर पाए कोई इन्फ्लुएंसिंग में बहुत अच्छा है पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है तो उसको मैं एलिमेंट्स दूँ फंड कर पाऊँ इन्वेस्ट कर पाऊँ जो भी मेरी तरफ से हो सकता है पैसिवली तो दिस इज दिस इज द थर्ड थिंग विच आई एम वर्किंग ऑन दिसूज प्रोजेक्ट बट वी एव स्टार्ट ऑलरेडी सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड अब लाइंस में कंप्लीट करते हैं इसको के हमने तजुर्बे की बात करी थी बीच में उस पर मैंने दो लाइंस बोली थी तो उसी के रिलेटेड ये एक और बात है कि क्यों डरना कि जिंदगी में क्या होगा क्यों डरना कि जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा